नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, बहुत प्यारी चल रही थी यार। मैंने भाई लोग जो सोचा था ना उससे बढ़ के है ये गाड़ी, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है इसकी। और इनिशियल में भाई क्या फील है, 390 जैसा फील दे रही है यार, और ये 310 है, बताओ। हेलो रेसर फोर्स, दिस इज लकी द रेसर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा हम पल्सर 220 ढूंढ रहे हैं अपने लिए, और आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि ऐसे व्लॉग्स और लेके आओ। तो अब ना भाई हर वीडियो में ना आपको एक छोटी सी झलक देखने को तो मिल ही जाएगी, क्योंकि भाई जो हमारी खोज है वो तो जारी है। जैसी बाइक हमको चाहिए इतनी ईजिली मिलनी भी नहीं है, तो हम ढूंढते रहेंगे, और जैसी बाइक मिल जाएगी ना भाई फिर आप लोगों को बता देंगे कि क्यों हम पल्सर 220 ले रहे हैं। चलो भैया बैठो बैठो। गाइस एक भैया मिल गए हमको, पेट्रोल पंप तक टोचन करते हैं। ठीक है भैया, ऐसी सबकी हेल्प करते रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, कभी अपने साथ भी हो जाता है ऐसा। हम भी कई बार ऐसा होता है, सोचते हैं बाद में डलाएंगे, कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, जीटी में ऐसा नहीं हुआ, एक्सेस में हुआ है, बुलेट में हुआ है। देखो भाई नई नई एक्सट्रीम लेके जा रहा है, 125 जिसका हमने रिव्यू किए थे। हाँ भाई, कैसी है गाड़ी, कैसी गाड़ी है ये, कैसी गाड़ी है ये, गाड़ी कैसी है ये, साइड में रुको ना। तो ये देखो भाई ने लिया एक्सट्रीम 125 आर, इसका मैंने रिव्यू किया था, यूट्यूब में डाला था वीडियो, लकी द रेसर 01। बाकी ये गाड़ी कैसी पसंद आ रही है आपको, ये एक नंबर, आपने लेके बहुत अच्छा फैसला लिया। ये गाइज हमने सब्सक्राइब कर दिया अपने चैनल को, भाई भी हमारा सब्सक्राइबर बन चुका है, रेसर फोर्स में ऐड हो चुका है, भाई भी चेक करेगा वीडियो, अच्छे लग रहे हो, गाड़ी बहुत अच्छी, आगे से ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बाइक जा रही हो, क्यों LED लाइट्स है ना इसमें, पीछे से भी अच्छी, टायर साइज भी अच्छा है 125 cc के हिसाब से, और क्या चाहिए। तो आप कॉलेज में हो क्या, फिर जॉब करते हो, जॉब के हिसाब से भी बेस्ट, माइलेज भी अच्छा, पावर भी अच्छा। चलो ठीक है ब्रदर, फिर मिलेंगे आपसे। ये चेक करो भाई, TVS अपाचे RR 310, नहीं सॉरी RR नहीं भाई, इसी चीज में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, ये RR नहीं, ये है भाई RTR 310, चेक करो। और भाई ये गाड़ी मैंने ना अभी तक सामने से तो कभी देखा नहीं था, मैंने भाई वीडियोस में ही देखा है और इमेज में ही, भाई सामने से इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी बल्की है, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मुझे ड्यूक 390 से ज्यादा खूबसूरत ये लग रही है, उससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है मुझे। इसका कंसोल वगैरह चेक करो भाई लोग, आज आप लोगों को ड्रैग रेस देखने को मिलेगी। तो आज हम करने वाले हैं TVS अपाचे RTR 310 वर्सेस कॉन्टिनेंटल GT 650, भाई बहुत खतरनाक रेस होने वाली है, कांटे की टक्कर होगी एकदम, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, बल्की लग रही है एकदम। तो भाई हमारे साथ है आर्यन भाई, अभी हम जाएंगे हाईवे पे, जहाँ पे भाई खाली रोड्स में जाएंगे वहीं पे जाके परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, जो भी भाई लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को चेक करो, पुरानी वीडियोस को। और मैंने एक टारगेट रखा है भाई लोग, अगर इस वीडियो में आप लोग 50 कमेंट कर दोगे ना, तो फिर हम लोग ना एक बहुत शानदार रेस लेके आएंगे, ड्रैग रेस, उसमें कॉन्टिनेंटल GT होगी, RTR 310 होगी, प्लस RR 310 होगी, तीन बाइक्स होंगी, तो 50 कमेंट करा दो। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, पहले तो पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल फिल कराना है मुझे 520। चलो ब्रो। भाई लोग अब हम चलाते हैं भाई की RTR 310, मैंने अभी तक चलाया नहीं उसको, आज चलाऊंगा, और भाई चलाएगा हमारी GT। भाई थोड़ा सा डर रहा है अभी, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, भाई इसका कंसोल चेक करो यार, बहुत प्यारा है, कलरफुल है, और हाई डेफिनेशन स्क्रीन लग रही है, वो वाह यार, भाई फील आ रहा है यार इसमें तो तगड़ा, ओ वाह यार, बहुत सही काम किया है TVS ने तो, अर्बन मोड में ये ऐसी पावर दे रही है, अगर इसमें कोई स्पोर्ट मोड वगैरह हुआ फिर कैसी पावर देगी ये, बहुत अच्छी फीलिंग दे रही है भाई लोग ये गाड़ी, सही बता रहा हूँ आप लोगों से। सो भाई लोग चेक करो, अभी ना अर्बन मोड में चल रही थी तब इतना अच्छा पावर दे रही थी, अब इसको ट्रैक मोड में डालते हैं, ठीक है गाइस। अब हम पहले इसको थोड़ा भगाएंगे, देखते हैं कैसी क्या भागती है ये, इसमें क्विक शिफ्टर लगा हुआ है गाइस, और भाई ये RPM दिखा रही है देखो, और ट्रैक मोड में ना इसका जो कंसोल है अब कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पहले से अलग हो गया है, पहले अलग तरीके की स्क्रीन थी, अब कुछ अलग तरीके की हो गई है ट्रैक मोड डालने के बाद। अब RPM को मेन हाईलाइट इसका RPM है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, अभी थर्ड गियर में चल रही है, यहाँ स्पीड दिखा रहा है। चलो मंगाते हैं, भाई क्विक शिफ्टर इसका बहुत प्यारा काम कर रहा है, भाई ने भगाया है 146। चलो आज ब्रेक कर देते हैं रिकॉर्ड, आज ज़्यादा भगा देते हैं इसको,
मस्त भाग रही है यार, मजा आ रहा है भगाने में। ओहो हो हो, ओहो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलो भाई अब भगाते हैं इसको, चेक करते हैं टॉप स्पीड ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तुम्हारे भाई ने। अब जो टॉप स्पीड दिखा रहा है ना हाईएस्ट, वो 151 दिखा रहा है, पहले 146 147 कुछ थी। तो ये हमने ब्रेक कर दिया भाई, अभी पीछे ही है। अब यहाँ से आगे से हम ड्रैग रेस स्टार्ट करेंगे, भाई को आ जाने देते हैं, भाई का वेट करते हैं आने का। सो ये रोड से देखो पूरी खाली रोड है, यहाँ पर हम भाई ड्रैग रेस करेंगे। चलो मैं उसको चलाता हूँ। सो भाई अपनी गाड़ी चलाएगा क्योंकि भाई का ऐसा कहना है आपका हाथ इसमें बैठा है। तो चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलो गाइस इसी के साथ इस रेस को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसा क्या होता है। आप लोग बताओ, आप लोग गेस कर लो पहले से कि कौन सी बाइक जीतेगी। देखो डोलू मोलू आ गए, बिस्किट वगैरह नहीं, नहीं तो इनको खिला देते। सो गाइस हियर द रेस बिगिंस, अब होती है रेस शुरू। भाई निकल गए, मैंने ना देखो मैंने लॉन्च अच्छे से नहीं करा था, मैं देख रहा था कि भाई सही लॉन्च कर रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था। अब हम ना प्रॉपर लॉन्च करेंगे अच्छे से। अभी तो भाई आगे गया, एक बार मैं आगे हो गया तो फिर मैंने स्लो किया तो भाई आगे निकल गया। अब हम ना प्रॉपर लॉन्च करेंगे क्योंकि भाई ने अच्छी लॉन्च किया था गाड़ी, प्रॉपर लॉन्च करेंगे और एक बार और अच्छे से रेस करेंगे, ठीक है, फिर एक्सचेंज करेंगे। लोग क्या बोला था मैंने, सेकंड अटेम्प्ट मैं जीता। सो हम थे आगे, इस बार प्रॉपर लॉन्चिंग हुई थी, भाई ने भी सही टाइम पे लॉन्च किया था, हमने भी सही टाइम पे लॉन्च किए थे। हाँ एक बार और क्या, मैं तेज निकला ना आगे, मैं तेज पहले बार में मैंने ना ये देख रहा था कि तुम लॉन्च कैसे कर रहे हो, क्योंकि मेन चीज होती ना लॉन्च, जो सही टाइम पे लॉन्च करेगा वही आगे रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ियों का पावर सेम ही है। ये 650 cc है बट ये कैफे रेसर है, वो स्पोर्ट्स बाइक है, तो भले वो 310 है और ये 650 है बट लगभग सेम ही टॉप स्पीड वगैरह दोनों की सेम ही है। 165-170 जाती होगी, ये 180-185 जाती है। अच्छा अच्छा इतना ही है, एक लास्ट अटेम्प्ट करेंगे वो एक्सचेंज करेंगे। तो गाइस GT फास्ट है यार भाई, ड्रैग रेस वगैरह में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो भाई लॉन्चिंग है, जिसने सही लॉन्च कर दिया वो आगे, अगर गाड़ियों में सेम लगभग सेम पावर है तो। और टॉप एंड में GT आगे जाएगी बट इनिशियल मुझे उसका बहुत प्यारा लग रहा है भाई, क्या भाग रही थी आप लोगों ने देखा ही यार, मैं भी भगा रहा था। तो चलो फिर से करते हैं एक बार एक्सचेंज करके, भाई को थोड़ा सा आगे निकल जाने देंगे क्योंकि भाई GT लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले कर रहा है। जाओ ब्रो फटाक से, हाँ तुम आगे निकल जाना पहले। निकलने दो निकलने दो, भाई तुम्हारा भाई आगे है। बहुत मज़ा आ रहा है इसको भी भगाने में।
भाई को भाई की गाड़ी देते हैं, चलो रुकते हैं। तो गाइस ऐसी कुछ रही ड्रैग रेस, और देखो बता रहा था मैंने, पूछा ये कैसे हो गया यार, इतनी खूबसूरत बाइक में जब ये छोटा मोटा दाग लग जाता है ना, देखो हेडलाइट में टूटी गई है हेडलाइट एक तरीके से, तो बहुत बुरा लगता है देखने में। हाँ ये अभी तो उसके टायर भी घिसे हैं पूरे मेरी वाली थोड़ी। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा, बहुत प्यारी चल रही थी यार। मैंने भाई लोग जो सोचा था ना उससे बढ़ के है ये गाड़ी, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है इसकी। और इनिशियल में भाई क्या फील है यार, 390 जैसा फील दे रही यार, और ये 310 है। बताओ बाकी कैसी लगी आप लोगों को दोनों की ड्रैग रेस। GT है विनर, तो मेरे को लगता है इनिशियल में भाई मुझे तो GT से ज़्यादा अच्छी लग रही है इनिशियल में, जब मैंने खुद दोनों को चलाया तो। बट यह है कि टॉप एंड में भाई GT आगे ही निकलेगी। सो भाई लोग ड्रैग रेस तो हो गई ख़त्म, हमको लगी थी भूख तो हम लोग खा रहे हैं भाई शेजवान चीज़ मैगी। फिर मिलेंगे भाई से अगली वीडियोस में, मतलब अभी तीन मैंने आप लोगों को बोला है कि अभी एक ड्रैग रेस और आएगी, अगर आप 50 कमेंट कर दोगे तो जल्दी से करा दो, फिर तीन बाइक्स की रेस होगी। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, अगर पसंद आता है इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग के साथ, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।